यार जानू, आपका भी मुझे बहुत प्यार आ रहा है, सच अच्छी में। बात है। प्यार से ही पैसा आ रहा है, और पैसे से ही मोबाइल आ रहा है, पैसे से ही टीवी आ रही है, और ये पैसे से ही हमारी बीवी आ रही है। देख रहे हो, पैसे के नाम पे हंसी देख रहे हो, पूरे ब्लॉक में हंसी नहीं थी अभी। देख लो तुम, देखो देखो, पूरे 32 गिन सकते हो। तो जानू जल्दी चलो, आ जा, उठ जा। चलो भाई, बारिश हो रही है। तो बस अब हम जा रहे हैं रिलायंस प्रेस सामान लेने के लिए, थोड़ा सा घर का। और ये अभी भी नहीं उठ रहे हैं। हम उससे सुबह से बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गया, मैं अकेला जाता तो अभी तक मैं लेके आ जाता। यार मेरे घर का भी तो काम है, मुझे लंच बनाना था, अभी मैंने बर्तन भी साफ कर दिए लंच के साथ ही साथ में। और लक्ष्य को नहीं लेके जा रहे जानू, ठीक है? तो कपड़े जो अंदर डाल दिए मैंने, रस्सी बंधवा के अंदर डाल दिए कपड़े, तो चलिए चलते हैं। बारिश थोड़ी बंद हो गई है तो सामान लेके आते हैं हम लोग। तो हम लक्ष्य को लेके नहीं जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। ये हेलमेट लगा के नहीं आए क्योंकि घर के जस्ट पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए। तो चलिए वहाँ पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। ओ माय गॉड, आप लोग देख सकते हो कितना पानी भरा है, मुझे तो इतना डर लग रहा है कि कहीं गड्ढा वड्ढा ना हो। सबसे बड़ी बात ये है कि इस रोड के जो नाले हैं और ये रोड है अभी बनी है, 6 महीने। देख रहे हो आप लोग, ओ माय गॉड, मैं जूती पहन के आ गई यार, 6 महीने भी नहीं हुए हैं। बहुत बुरी हालत है यार, यहाँ पर गड्ढों का सबसे बड़ा डर है यार। यहाँ हमेशा ऐसे ही भरता है, ऐसे ही, क्योंकि ये नीची रोड रहती है ना। यहाँ गुड़गांव में रोड है ना, बहुत नीची नीची है इसलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि बनने के बाद ये हालत है, आप सोचे। अरे राम राम, देख रहे हो आप लोग। अच्छा वो अपन गाड़ी से नहीं आए। तो फाइनली हम आ गए है रिलायंस फ्रेश, ये सामने ओम स्वीट्स है और इधर है रिलायंस फ्रेश। तो जल्दी में मैं मास्क लगाना भूल गई थी और अभी यहाँ से मुझे भैया ने मास्क दे दिया है, तो मुझे तो ये लग रहा था कि एंट्री नहीं होगी। और जैसे ही उन्होंने बोला मास्क मैडम लगा लीजिए, तो मैंने बोला कि अरे मैं मास्क तो लेके नहीं आई, और अनिल इतने खुश हो गए थे ना, क्या बताऊँ। वो बोलने लगे अच्छा है, अच्छा हुआ एंट्री नहीं है। ले रही है 5-5 वाले, क्योंकि तोड़ने में प्रॉब्लम आती है ना, उनको बड़े वाले। छोटा करने में प्रॉब्लम आती है, बड़ा वाले को तोड़ना पड़ता है, वो गलती भी जल्दी है। जितने भी हैं उन्होंने सारे ले लिए और किसी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पूरा भरा पड़ा है। और मैं पीछे हट रहा था इनकी शूटिंग करते करते, तो मेरे इससे लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं इनसे बोल रही हूँ, डब्बा मतलब बहुत ज्यादा डब्बे हो गए हैं बॉर्नविटा के, लेकिन ये पाउच नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसमें फायदा है। और उसमें 750 ग्राम आएगा, 310 का, इसमें 1 kg का आएगा 410 का, तो 100 रुपए है। 100 रुपए में पाव आता है, 100 रुपए में पाव आता है, ये 270 का पड़ेगा। हाँ और ये वही ले लो यार, पाउच ही ले लो, ये 381 नहीं पाउच ले लो, पाउच ले लो। तो फाइनली मैंने इनसे बोला और इन्होंने एक कोको कोला ले लिया, और अभी उधर मैं इनसे बोल रही हूँ और भी ले लो, देखते हैं। तो वो गए हैं उधर, तब तक ले लेती हूँ मैं मैगी। ये रहा मैगी, 2 पैकेट ले लो मैगी। तो यहाँ पे एक और पैकेट ले लेते हैं हम। तो हम जा रहे हैं ऊपर, वो पहुँचा देंगे सामान ऊपर, और बहुत बदबू आ रही है, पोटैटो सड़ गए हैं इसलिए शायद। तो फाइनली सारा सामान ले लिया है और अभी हो रही है यहाँ पे बिलिंग, तो बस बिलिंग करवाने के बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो हम आ गए हैं और अभी सामान ज़्यादा हो गया है, तो भैया से बोल रहे हैं कि छुड़वा देना, देखो भैया क्या करते हैं, अगर नहीं छुड़वाते तो लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो छुड़वा देंगे, क्योंकि तो बाइक पे पॉसिबल नहीं है इतना सामान लेके जाना, इसलिए। तो देखते हैं, अभी भैया से बात कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे ना मेहंदी लगाते हैं, यहाँ पर बैठ के मेहंदी वाले भैया मेहंदी लगाते हैं, लेकिन आज दिख ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो मेहंदी वाले भैया हैं ही नहीं। तो सामान हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन टीवी वाले भैया का फ़ोन आया था कि जल्दी से आ जाओ, हम घर पहुंचने वाले हैं। तो हम घर जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी में हम लोगों ने बिलिंग करवाई थी कि चलो जल्दी से, कहीं वो टीवी वाले भैया ना आ जाएं वरना गड़बड़ हो जाएगी। कल का बर्थडे है और हम उनसे बोल के आए थे पर्सनली कि कल हमारे बेटे का बर्थडे है, उससे पहले ही हमारे टीवी लग जानी चाहिए। अब देखते हैं घर पहुँच के,
ये राशन पानी खाली करना है अपना और अच्छे से सेट करके रखना है। और सड़कों पे बहुत पानी भरा हुआ है, यहाँ बारिश होती है पानी बहुत भर जाता है लेकिन तुरंत निकल भी जाता है। और जल्दी मैं मास्क लगाना भूल गई थी, इन्होंने भी मुझे याद नहीं दिलाया। मैं इनको हमेशा याद दिलाती हूँ कि जानू पर्स है क्या, फोन है क्या आपका, लेकिन इन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिलाया कि ईयरबड्स के मैंने दिलाया था क्या, तो क्या हो गया। इनको मौका मिलना चाहिए। अरे राम राम। और आज ही मुझे नेल पेंट चेंज करनी है क्योंकि कल तो टाइम ही नहीं मिलेगा चेंज करने के लिए। क्या हो गया जानू? ये नीचे से उठा के लाए हैं और इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये बोला लड़की बनाना, ये बोला लड़की बनाना, लुगाई बना दे भैया। लड़के होके लुगाई बन जाओगे? लड़के होके कैसे बन जाएंगे? तो वो बोला लड़की बनाना अगले जन्म में। हम तो लुगाई बनाना बोल रहे हैं। लड़की बनाएगा तो वो एक साल के लिए जन्म देगा, मार देगा। लुगाई बनाने की कहेंगे तो कम से कम 20 साल तो जिएंगे। अच्छा यार, मैं आपकी हेल्प नहीं करवाती क्या जो आप ऐसे बोल रहे हो यार? भाई साहब हाथ में भी नहीं पकड़ा ये, और गरीब मैं कैसे ले जाऊंगी। मैंने ये सोचा था कि जानू ये बोलेंगे एक एक बैग को जो रेड वाले को मैं ले जाऊंगी और ये भारी वाले को अनिल ले जाएंगे। ये बोलेंगे कि रेड वाले को मैं ले जाऊंगी, देख रहे हो जो अभी से बता रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ पीको करवाने के लिए, लक्ष्य मेरे साथ जा रहा है, उसके बाद अनिल जाएंगे सब्जी लेने के लिए, नारियल लेने के लिए। और छोले हमें रिलायंस फ्रेश में अच्छे नहीं मिले थे तो छोले लेने के लिए, तो मैंने अनिल से बोल दिया कि मैं झटपट से थोड़ा पीको करवा के आती हूँ साड़ी पे, क्योंकि जो साड़ी मैं कल पहनने वाली हूँ, और वैसे मैं सुबह में अलग पहनने वाली हूँ, शाम में अलग, अब मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि कौन सी वाली साड़ी कब पहनूंगी। तो एक का तो ब्लाउज ही स्टिच नहीं हुआ है, तो मेरा मूड ऑफ बहुत हो रहा है। उस पर तो पीको वगैरह सब कुछ हो गया लेकिन ब्लाउज स्टिच नहीं हुआ, तो देखो कौन सी पहनती हूँ आप लोगों के साथ शेयर तो जरूर करूंगी मैं। तो झटपट से चलते हैं और मैं पीको करवा के ले आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ पीको करवा के, और जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा कि रिलायंस डिजिटल वाले भैया आए हुए हैं हमारी टीवी की डिलीवरी करने के लिए। तो अनिल यहाँ पे कुछ साइन वाइन कर रहे हैं और अभी इंस्टॉल वाले का हमें वेट रहेगा कब आते हैं देखो। तो ये लक्ष्य निकाल रहा है सामान, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए सारा सामान निकाल के रख रहा है, फिर मैं सेट करके रख दूंगी। अनिल गए हैं मंडी और मेरे सर में दर्द हो रहा है और अनिल के भी सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं बारिश की वजह से हो रहा है, डर लग रहा है कि कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। तो ये निकाल निकाल के चेक कर रहा है, हैंड वॉश है बेबी, चेक कर रहा है निकाल निकाल के। और ये हैंड वॉश हम मेरा फेवरेट लेके आए हैं, जो हम किचन में यूज करती हूँ ना वो वाला हैंड वॉश, इतनी अच्छी इसकी वो है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी। तो आप लोग देख सकते हो ये निकाल दो बेबी, आराम आराम से निकाल देना, बैग खाली कर देना। ओके थैंक यू थैंक यू। तो जो राशन आया है उसको सारे को डब्बों में भर के रख रही हूँ। ये मैंने नारियल मंगाया हुआ है कल के लिए टीका करने के लिए, तो ये काबुली चना मंगाए हुए थे लेकिन ये क्यों लेके आ गए मुझे पता नहीं, मूंगफली के दाने तो ऑलरेडी रखे हुए थे बट फिर भी लेके आ गए। और मसालेदानी में मैंने मसाला भर दिया है कल के लिए, क्योंकि फिर अभी तैयारियाँ करनी पड़ेंगी। तो ये लेके आए हैं सब्जी और छोले वगैरह भी लेके आ गए, नारियल वगैरह भी लेके आ गए। तो सब्जी को मैं वॉश कर देती हूँ, और चाय बनाई हुई थी मैंने क्योंकि मेरे मामा ससुर के बेटे आए हुए थे उनके लिए, तो बस अनिल और वो चाय पी रहे हैं और ये बची हुई चाय लच्छ नहीं पी रहा है तो मैं पीऊँगी, ये एक्स्ट्रा बन गई थी। तो अभी इसके बाद बनेगा डिनर, क्योंकि भैया वो भाई साहब आए हैं वो डिनर नहीं करेंगे बोल रहे थे कि मैं डिनर नहीं करूँगा, वो कुछ काम से आए हुए हैं। तो बस मैं इसको साफ कर लेती हूँ, काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा है और सारा सामान मैंने अच्छे से डब्बों में पैक करके भर दिया है, तो अभी सारे फुल हो चुके हैं। और स्टोर रूम में रखने वाला मैंने रख दिया है, और अभी इस बोतल में ना सरसों का तेल ख़त्म हो गया तो उसको भी आज ही भर लूँगी, सारा काम आज ही निपटा लूँगी जिससे कल के लिए बहुत कम काम बचे, यानी कि एक्स्ट्रा जो फालतू का काम है वो ना बचे कल के लिए। तो ये आप देख सकते हो हमारी भैयरवानी सवेरे से लगी पड़ी हैं और इनके सिर में दर्द हो रहा है, भैयरवानी मतलब बीवी, बीरवानी बोलो, भैयरवानी नहीं, तो चलो बीरवानी बोलते हैं। तो हरियाणा की लैंग्वेज में हमारी बीरवानी सवेरे से लगी पड़ी हैं लक्ष्य की बर्थडे की तैयारी में, और आप देख सकते हो इनके सिर में दर्द हो गया है और बहुत काम रहा है, बहुत 3 दिन हमें इतना पड़ा है कि कुछ पूछो मत, मतलब पूरे लॉकडाउन में इतने 3 दिन हम कभी परेशान इतना नहीं गए कभी भी कहीं, तो टीवी का राम साथ में के टीवी देखने गए, फोन देखने गए, राशन पानी के लिए सामान देखने गए, फिर बर्क मार्केट में भी गए,
बर्थडे का सामान लेने तो बहुत कुछ हो गया, और घर में भी इतना सारा पेंट, उससे पहले वॉलपेपर लगाना, यानी कि बहुत मतलब बहुत बिजी रहे हैं। और आप देख सकते हो इसका जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा होगा इनके सिर पे बना हुआ। मेरा तो चलो दिख रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन इनका इससे पहले ना शाम के समय में जब पीको करवाने गई थी ना उस टाइम पे इनका तो ऐसा लग रहा था जैसे फीवर आने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड सी लग रही थी और थोड़ा शरीर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे, पर मैंने तो एक टेबलेट ले ली तो अभी मुझे गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है। और पता है अभी तो मुझे क्या करना है कि अभी कपड़े उठाने हैं, कपड़ों पर कल के लिए प्रेस करनी है, जो कल कपड़े यानी कि कल कपड़े जो पहनेंगे ये लोग उनके लिए प्रेस करनी, मैं जो पहनूंगी उन पर तो प्रेस होगी नहीं, ठीक है। और मुझे कुछ भी डिसाइड नहीं किया सुबह क्या पहनूंगी, शाम में कुछ भी, मैं सोच रही थी तीन दिन से कि मैं पहले ही रख लूंगी, क्योंकि ये डिसाइड नहीं करती, इनका डिसाइड पहले से रहता है, ये बता नहीं रही। नहीं जानू सच में, कसम से जानू, मैं कुछ भी नहीं हुआ जानू, कुछ भी नहीं हुआ सच में। चलो तो इनको करने दो, ये टीवी आ गई और मटर छिल रहे हैं अभी तक लगाने के लिए, और हमारा इतना मूड ऑफ हुआ है कि वो रिलायंस डिजिटल वालों ने बोला था कि सर कल ही डिलीवरी हो जाएगी, कल ही इंस्टॉल हो जाएगी, तो डिलीवरी तो उन्होंने आज कर दी है पर इंस्टॉल नहीं किया है, तो बड़ा मुझे डर सा लग रहा है। तो मैंने कल उनको बोल दिया है कि अगर कल 12:30 तक नहीं हुआ तो अपना ये ले जाना वापस, क्योंकि क्या होगा ना मतलब वो कल मतलब वैसे नौता खाने लोग आएंगे, वैसे दावत खाने दावत का वैसे ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा बात वो भी नहीं है, बट नहीं कचर पचर हो जाता है यार, क्योंकि हम कल बिजी रहेंगे सारे दिन, उसमें वो आएंगे फिर कचर पचर, फिर वो डेकोरेशन वाले आएंगे, वो छोटी मोटी चीज तो है नहीं जिसको कहीं भी रख दो, और जो चेक भी करेंगे वहाँ पे तो देखना भी है ना, तो सबके सामने हम इतना देख भी नहीं सकते हो, कल बिजी भी बहुत रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि जब कहीं से आप ले रहे हो और जब पहली सर्विस में ही इनिशियल सर्विस में ही आपको इतनी परेशानियां देखनी पड़े तो आपका फेथ उठ जाता है, आपका ट्रस्ट नहीं रहता ना उस चीज पे, इसलिए वो हो जाता है। तो चलो दोस्तों आज ही वैसे मैंने सारा राशन पानी भर लिया है अपना, सब कुछ कर लिया, कोशिश कर रही हूँ कि वैसा कल तो काम है ही, लेकिन आज मैंने सब, और ऊपर से कल से मेरे ऑफिस में भी कुछ अर्जेंट वर्क आ, अरे अर्जेंट वर्क इनका तो बहुत टाइम से 15 दिन से तो इतना बिजी है ना जानू, आपका भी मुझे बहुत प्यार आ रहा है, अच्छी बात है, प्यार से ही पैसा आ रहा है, और पैसे से ही मोबाइल आ रहा है, पैसे से ही टीवी आ रही है, और ये पैसे से ही हमारी बीवी आ रही है। पैसे के नाम पे हंसी देख रहे हो, पूरे ब्लॉक में हंसी नहीं थी, अभी देख लो तुम, देखो पूरे 32 गिन सकते हो। थैंक यू जानू, ठीक है तो मिलते हैं कल, अरे फोन का दिलवा दिया मुझे, थैंक यू, कल मिलते हैं, बाय बाय, आपसे डायरेक्ट कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।